एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 28th ऑफ जून के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। एनडीए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच ट्राइब? तो जैसा कि हमें पता है कि संथाल इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है। पहली दो कौन सी हैं? गोंड्स एंड भील्स। ठीक है, तो जो संथाली पॉपुलेशन है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन से स्टेट्स में? झारखंड में, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, राइट? तो एनडीए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? मयूरभंज। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे डेंस कंसंट्रेशन पाई जाती है संथाली लोगों की, और जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो भी संथाल ट्राइब को बिलोंग करती हैं। फाइन, और यही नहीं, इनके अलावा झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जीसी मुर्मू, जो कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, इसके अलावा यूनियन जल शक्ति के मिनिस्टर बिसेश्वर टुडू, ये सारे लोग भी संथाल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच रेसिंग ड्राइवर वन द 2022 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स? तो किसने जीता है हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को? आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन। सेकेंड पोजिशन पे थे इसमें कैरलॉस सेंस और थर्ड थे लुइस हैमिल्टन। कंट्रीज अगर देखेंगे तो मैक्स वर्स्टैपेन कौन से कंट्री से हैं? नीदरलैंड। कार्लोस सेंस बिलोंग करते हैं स्पेन से और लुइस हैमिल्टन हैं ग्रेटर ब्रिटेन से। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ वन यूनेस्कोज रिकॉग्निशन फॉर द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? तो कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने इस रिकॉग्निशन को जीता है यूनेस्को से? आंसर हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक यूनिट है हमारी एनसीईआरटी की और इन्होंने आईसीटी को यूज़ किया था अंडर प्राइम मिनिस्टर ई विद्या स्कीम को, जब कोविड-19 चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। कब किया गया था लॉन्च? मई 2020 में, ताकि जो भी डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के एफर्ट्स हैं उनको एक साथ यूनिफाई किया जाए किसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, विच रेसिंग ड्राइवर वन द अजरबैजान फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022? तो इसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट? इसको हाल ही में जीता है आर प्रज्ञानंथा ने। हु वन द एमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 फर्स्ट प्राइज? आंसर इज मिस्टर सुभाष ओला। विच रेसिंग ड्राइवर वन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल? तो ये हाल ही में जीता है सर्जियो पेरेज ने। सेकेंड थे इसमें कार्लोस सेंस और थर्ड थे इसमें मैक्स वर्स्टैपेन, फोर्थ थे चार्ल्स लेक्लेर। ठीक है, तो सर्जियो पेरेज कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? मैक्सिको। और कार्लोस सेंस की बात यहाँ की थी, ये कौन सी कंट्री से हैं? स्पेन से। मैक्स वर्स्टैपेन कहाँ से हैं? नीदरलैंड से। और चार्ल्स लेक्लेर की कंट्री का नाम आपको कॉमेंट्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? तो फॉर्मर पंजाब के DGP मिस्टर दिनकर गुप्ता ये हाल ही में बन गए हैं नए DG नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, जो कि इंडिया की प्रीमियर काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स है। ठीक है, और इनके पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF मिस्टर कुलदीप सिंह को एडिशनल चार्ज दिया गया था इस पोजिशन का, कब? जब मिस्टर वाईसी मोदी रिटायर हो गए थे। ठीक है, तो पहले वाईसी मोदी इस पोजीशन पे थे, फिर एडिशनल चार्ज किसको दिया गया? कुलदीप सिंह को। और अब फाइनली इस पोजीशन को किसने संभाल लिया है? मिस्टर दिनकर गुप्ता ने। फाइन, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज नेम्ड
the best regional airport in India and in South Asia in the Skytrax World Airport Award. तो इस अवार्ड के दौरान बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इंडिया और साउथ एशिया में किसको डिक्लेयर किया गया, ये है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एट द CII एक्सकॉन 2022 इन बेंगलुरु हु रिसीव्ड द कमिटेड लीडर अवार्ड, ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया अंजलि पांडे को और ये एंजन्स और कंपनी बिजनेस यूनिट लीडर हैं कहाँ पे, एट क्यूमिंस इंडिया. ठीक है, हु हैज बीन अवार्डेड द ब्रिटिश ऑनर ऑफ MBE फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द COVID-19 पैंडमिक, ये किसको प्रेजेंट किया गया है, गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को. ठीक है, द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड वॉज रिसेंटली गिवन टू द अटल टनल, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द लोकेशन टू द अटल टनल. तो जैसे कि हम जानते हैं बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड प्रेजेंट किया गया है अटल टनल को और ये कौन से स्टेट में लाई करता है, हिमाचल प्रदेश. Who was the winner of the Indian Pharma Leader of the Year Award? Answer हो जाएगा Cipla Limited. Who was honored for the film and television achievements at the MTV Movie and the TV Awards 2022? तो ये दिया गया है Jennifer Lopez को. ठीक है, और याद रखिएगा Jack Black को दिया जाएगा Comedic Genius Award. Fine. Next question. The European Council recently granted the candidate status to which country? तो दो countries हैं जिनको कि candidate status मिला है European Council का. कौन सी दो countries हैं? Republic of Moldova और Ukraine. और इसी के साथ अब ये member बन सकती हैं European bloc का, right? अब question slide पे आएंगे. Where was the world's deepest shipwreck discovered recently? तो दुनिया की सबसे deep shipwreck हाल ही में discover हुई है फिलीपींस सी में. ठीक है, वी एल एस आर एस ए एम विच वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड रिसेंटली इज अ डिजाइन इज डिजाइंड बेस्ड ऑन वॉट. तो ये डिजाइन किस पे बेस्ड है, अस्त्रा मिसाइल के ऊपर. ठीक है, और ये क्या होता है, वर्टिकल लॉन्च एस आर सरफेस टू एयर मिसाइल. फाइन, और जो अस्त्रा मिसाइल्स होती हैं ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को हम कहते हैं. ठीक है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, इसको हाल ही में लॉन्च किया है गुजरात स्टेट ने. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स मार्क 3 रिसेंटली इंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड. आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश हैज बीन फाउंड रिसेंटली. तो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश हमें मिली है कैम्बोडिया में और इसका वेट कितना है, 300 केजीज का. ठीक है, और इसके पहले 293 केजीज की फिश हमें मिली थी थाईलैंड कंट्री से 2005 में और इसके बाद ये ऐसा रिकॉर्ड बना है. ओके, कहाँ पे मिली है, मैकोंग रिवर में, और इस रिवर की बात करें तो ये फ्लो करती है तिब्बतन प्लेट्यू से. कौन सी कंट्री से होते हुए, चाइना म्यांमार थाईलैंड लाओस और वियतनाम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबुबाची मेला विच किक्ड ऑफ रिसेंटली इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट. तो अंबुबाची मेला 4 दिन का फेस्टिवल है जो कि हर साल कंडक्ट होता है कामाख्या टेंपल में और ये टेंपल कहाँ पे है, असम के गुवाहाटी में. ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो गॉडेस हैं उनकी मदरहुड और फर्टिलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है और ये दिन मार्क करता है जो गॉडेस हैं कामाख्या उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड को, ऐसा लोगों का मानना होता है. ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये मेला कहाँ पे है, असम स्टेट में. आप कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी. उन्मेष इज एन इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एट विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. तो उन्मेष एक लिटरेरी फेस्टिवल है जो कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में. इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज. तो हमारे यहाँ के मैंगोज को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसका एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मैंगो फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज किया है कौन सी कंट्री में, बहरीन में. खीर भवानी मेला इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. तो खीर भवानी मेला कौन से स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर. बाइको फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, आंसर इज असम. विच इंडियन फिल्म मेकर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द लोकार्नो किड्स अवार्ड ला मोबिलाए एट लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल,
आंसर इज गीतांजलि राव. विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी होस्टेड द इंडियाज वेरी फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल. तो इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत एनसीएपी इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री. तो हाल ही में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अप्रूव किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने. किस लिए? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो इस नए इनिशिएटिव के तहत जो भी कार्स हैं उनको स्टार रेटिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी बेस्ड ऑन कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन द क्रैश टेस्ट. फाइन, तो सिंपली याद रखिएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. और एनसीएपी का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम. अब कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज में थे. नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग द अपस्किलिंग ऑफ द निर्मल वर्कर्स दैट इज निपुण इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री. तो निपुण कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. विच कंट्री लॉन्च्ड द गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव? आंसर इज यूएसए. विच स्टेट कैबिनेट हैज ऑथराइज्ड द जीन बैंक अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इनिशिएटिव इन इंडिया? तो जीन बैंक कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? आंसर है महाराष्ट्र. विच कंट्री लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव जिसका नाम है लाइफ मूवमेंट? और लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट. ये कंट्री है इंडिया. ऑपरेशन महिला सुरक्षा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो ये इनिशिएटिव है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का. और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि आरपीएफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि इस इनिशिएटिव के तहत इन्होंने 13,000 वुमेन को सेव किया है. विच कंपनी लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड एज स्टूडेंट्स क्लब फॉर एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स? ये टेक मेजर है फ्लिपकार्ट. ओके, नेक्स्ट इज द हाई रेजोल्यूशन कैमरा ड्रैको इज अ पार्ट ऑफ विच नासा मिशन? तो जो ड्रैको है ये इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि कैरी किया है नासा के डार्ट मिशन ने. ठीक है, और डार्ट का फुल फॉर्म क्या है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट. ठीक है, और इसको डिजाइन किया गया है बेस्ड ऑन द न्यू हॉरिजॉन मिशन इमेजर. और रिसेंट मंथ्स में ये पता चला कि ये जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा है इसने कैप्चर की हैं लगभग 1.5 लाख इमेजेस ऑफ डिफरेंट स्टार्स. ठीक है, इस वजह से ये कैमरा इंपॉर्टेंट है. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग नासा. व्हाट इज द नेम ऑफ द नासा मिशन विच एम्स टू मेजर द अर्थ्स ग्लोबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखिए यूजुअली क्या होता है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वगैरह है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है एंड्योरेंस. इसमें इन्होंने ये दावा किया कि ये अर्थ के ग्लोबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इससे मेजर करेंगे. फाइन, विच यूनिवर्सिटी हैज बीन चोजन फॉर द नासा इसरो कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट? ये यूनिवर्सिटी है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज, इसको चूज किया गया है नासा इसरो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के लिए. इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर मिशन इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड विच अदर कंट्री? तो ये मिशन है यूएसए और इटली के बीच का. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नासास रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च टू रीच द जुपिटर्स एस्ट्रॉइड नेम्ड द ट्रोजन्स? आंसर हो जाएगा लूसी मिशन. इंजेन्यूटी द नासास रोबोटिक हेलीकॉप्टर ऑपरेटिंग ऑन विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी? तो इंजेन्यूटी वर्क करता है मार्स प्लैनेट पे. राइट, नासा पार्टनर्ड विद विच स्पेस एजेंसी फॉर द फर्स्ट प्राइवेट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? आंसर हो जाएगा एक्सियम. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन थे नासा के जो हाल फिलहाल न्यूज में बने रहते हैं कभी ना कभी. सिंपली याद रखिएगा कौन सा मिशन किस चीज से रिलेटेड है या कौन सी कंट्री से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी ऑब्जर्व्ड? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें इन्होंने डेजिग्नेट किया 24th ऑफ जून को एज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी. ठीक है, पर्पस क्या है? फुल और इक्वल पार्टिसिपेशन वुमेन का कराना हर लेवल पे डिप्लोमेसी के. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे. व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशंस ऑफ द सोल्स्टिस ऑब्जर्व्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 21st ऑफ जून को. हूएवर व्हाटएवर व्हेनेवर एवरीवन हैज अ राइट टू सीक सेफ्टी इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ जून? तो ये थीम थी इस साल के वर्ल्ड
रेफ्यूजी डे की. और रेफ्यूजी डे को हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? आंसर हो जाएगा 20th of June. विच इज द मेन वेन्यू ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशंस इन इंडिया? तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हर साल 21st of June को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल के लिए थीम थी योगा फॉर हेल्थ. और इसका जो मेन सेलिब्रेशंस था वो कहाँ पे हुआ है? मैसूर में. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022? सबसे पहले इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 17 जून को, और इस साल के लिए थीम क्या थी? राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर. ठीक है, ये थीम थी इस साल के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, PNS तैमूर विच वॉज डिलीवर्ड बाई चाइना टू पाकिस्तान इज अ डैश. तो ये सेकेंड टाइप फ्रिगेट है जो कि पाकिस्तान ने रिसीव किया है चाइना से, और इस वेसल को कमीशन किया गया एट द हुडोंग जोंगुआ शिपयार्ड इन शंघाई. ओके, तो जनवरी मंथ में अगर याद हो 2022 में, तो PNS तुगरिल ये थी फर्स्ट टाइप फ्रिगेट जो कि पार्ट बनी पाकिस्तान की नेवी फ्लीट की. राइट, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रिगेट. कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन नेवी रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे. विच इंडिजिनस मिसाइल कॉर्वेट ऑफ द इंडियन नेवी वॉज कन्वर्टेड टू अ शिप म्यूजियम? तो शिप म्यूजियम बना दिया गया है INS खुकरी को. ठीक है, विच बिजनेस रिसेंटली पार्टनर्ड विद द बोइंग टू डू एक्सटेंसिव मेंटेनेंस चेक्स ऑन 3 इंडियन नेवी P8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट? ये कौन सी बिजनेस है? एयर वर्क्स. इंडियन नेवी पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज बोंगो सागर अलॉन्ग विथ विच कंट्रीज नेवी? तो हमने देखा था कि एक्सरसाइज बोंगो सागर हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश की नेवी ने कंडक्ट किया, साथ ही कुछ दिनों पहले हमने बांग्लादेश के साथ कॉर्पैट भी कंडक्ट की थी. इंडियन नेवी हेल्ड ज्वाइंट सर्विलांस एंड पेट्रोलिंग ऑपरेशंस विद विच कंट्री एट द आइलैंड्स ऑफ ला रियूनियन? आंसर हो जाएगा फ्रांस. ठीक है, इसके अलावा आपको ऐसे 3 कंट्रीज का नाम कॉमेंट्स में लिखना है जिनके साथ हम कॉर्पैट करते हैं. ओके, विच कंपनी डिलीवर्ड द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS बक्शीर टू द इंडियन नेवी? तो ये डिलीवर की है मेजोगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने. ठीक है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर में टोटल 6 सबमरीन्स थी जो कि डिलीवर होनी थी. कौन सी हैं 5? कलवारी, खांडेरी, कलंज, फिर 4th है वेला, फिर 5th है INS वगीर, और ये अभी भी सी ट्रायल्स में है, और 6th थी INS बक्शीर. ओके, तो 6 के नाम जरूर याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटलैंड विच मेड न्यूज रिसेंटली इज एन आइलैंड बिलोंगिंग टू विच कंट्री? तो ये एक आइलैंड है जो कि स्वीडन का है इन द बाल्टिक सी. ठीक है, तो नई स्मार्ट रोड कंस्ट्रक्ट की जाएगी इस आइलैंड पे, और ये केपेबल होगी टू चार्ज द बिग इलेक्ट्रिक व्हीकल, और जिसके वायर्स होंगे वो टोटली अंडर रोड होंगे. इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल भी अवॉइड की जा सकती है. फाइन, सिंपली याद रखिएगा गोटलैंड कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? स्वीडन. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. द मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज कॉल्ड एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री? तो इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया मंगोलिया कंट्री में. ठीक है, विच कंट्री प्रपोज टू ऑर्गेनाइज अ ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन जिसका नाम है सॉलिडारिटी 2023 फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज? इसका आंसर हो जाएगा चाइना. इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज द मैंगो फेस्टिवल. मैंगो फेस्टिवल अभी हमने पीछे देखा था. आंसर हो जाएगा कंट्री बहरीन. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को इजिली मेमोराइज कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ पे आपने मैंगो फेस्टिवल पढ़ा तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है. राइट, यहाँ मैंगो फेस्टिवल से आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका आंसर बहरीन ही होगा. ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल हैज साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अ कंपनी ऑफ विच वेस्टर्न कंट्री टू एक्सपैंड द रुपे कार्ड एंड UPI? तो रुपे कार्ड और UPI को एक्सपैंड करने के लिए फ्रांस के साथ NPCI ने एक MOU साइन किया है. द कंट्रीज फर्स्ट एवर गर्ल पंचायत जिसका नाम है बालिका पंचायत वॉज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट? तो कंट्री की पहली गर्ल पंचायत जिसका नाम है बालिका पंचायत, इसको ऑर्गेनाइज किया है हाल ही में गुजरात स्टेट ने. फाइन, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे. ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन.
आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इंप्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू जैत सना साइनिंग ऑफ।